तुम लोगों में से किसी ने पहले ये इफेक्टिव सेंटेंस सुना है? नहीं। समय, हैव यू गॉट दिस इफेक्टिव सेंटेंस इन योर बैच? नो सर, आई हैव नॉट. ओके, कैन यू गेस द मीनिंग? कैन यू गाइस आल्सो गेस द मीनिंग प्रेजेंट हियर? मान्या, कैन यू गेस? सोनिका हैज गॉट, आई थिंक, दिस इंफेक्टिव, यस सर, आई नो. यू नो ना? सो सोनिका विल टेल यू व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस इंफेक्टिव। ऐरा गैरा नत्तू कैरा. वेरी नाइस, थैंक यू। बच्चों, एरा गेरा नत्थु खैरा तो सुना है तुम लोगों ने, और यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं उन्होंने सुना है हिंदी में। ओके, तो पहले हम मान्या से पूछते। मान्या, बताओ एरा गेरा नत्थु खैरा का सरल हिंदी क्या होगा, किसी बच्चे को अगर समझाना? सर मीन्स सर आई कैन एक्सप्लेन. ओके, नो प्रॉब्लम। सोमिया, कैन यू एक्सप्लेन? सर आई थिंक किसी काम का नहीं. लिटररी। सोनिका विल एक्सप्लेन इन सरल हिंदी। जो किसी काम का नहीं है वो. ओके, अब थोड़ा सा हमारे बुक से भी सुनिए। ऐसा व्यक्ति जिसका जिसकी कोई आइडेंटिटी ना हो और वो जिसका कोई ज्यादा सम्मान ना हो, उसको अपन कहते हैं ऐरा गैरा नत्थु खैरा। अब पहला राउंड, बच्चों तुम लोग भी ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं ऑनलाइन वो लोग भी ध्यान से सुनेंगे। पहला राउंड हम तुम लोग को सरल सा राउंड दे रहे हैं, जिसमें एक एक सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे तीन लोग मौजूद हैं, तुम दो बच्चे मौजूद हो, ठीक है? तो कैन चैप्टर यहाँ पे सबको मिला है, इन लोगों को भी मिल गया, ऑनलाइन वालों को, तुम लोग को भी मिला, मैडम मिल गया। तो कैन का अगर तुम नेगेटिव लोगे, नकारात्मक वाक्य, तो तुम इसका एक सरल सा सेंटेंस बना सकते हो कैन के नेगेटिव में। बस तुम्हें एक शब्द और इसके आगे लगाना पड़ेगा शुरू में, और वो है एनी, ANY, एनी, ठीक है? तुम लोग थोड़ा थोड़ा सा बिना आवाज किए अपनी चेयर उठा के यहाँ आगे आ जाओ, ताकि तुम लोगों की आवाज इन लोगों को भी सुनाई देगी। हाँ, तुम यहाँ बैठ सकते। सो एनीबडी कैन स्टार्ट, आई थिंक सोनिका विल स्टार्ट। सोम्या अनम्यूटेड हरसेल्फ। ओके सोम्या, ही कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ही इज टॉम डिक एंड हैरी. वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह एरा गैरा नत्थु खैरा है। ये एक दीदी ने एक सेंटेंस बनाया, ठीक है? अब हु इज रेडी? सोनिका, एक सिंपल सा वैसा सेंटेंस बना के बताओ ना, जिससे ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ जो बैठे हैं ये लोग भी बना लें उसको। हम तुम्हें दिखा भी दे रहे, तुम्हें दो बच्चे दिखेंगे, बहुत छोटी सी बच्ची है, प्यारी सी, और एक लंबा सा बच्चा है, और एक छोटा बच्चा बैठा वहां ड्राइंग कर रहा है। इसका नाम है मिहिर, हिज नेम इज मिहिर। Sonika. She cannot do anything because she is
डिक एंड हैरी। ओके, जैसे हमें अपेक्षा थी सोनिका से वैसा पूरा तो नहीं हुआ। सोनिका ने उस फॉर्मेट को फॉलो कर दिया जो सौम्या ने अपनाया था। मान्या, बच्चों तुम लोग को भी जैसे दिमाग में है ना हमने बताया वैसा एक छोटा सा संदेश बना के दिखा। तुम्हारे दिमाग में आया कुछ? अभी मान्या दीदी बनाएंगी। वी कैन नॉट थिंक दैट एवरी वन इज टॉम डिक एंड हैरी। ओके, ये लोग थोड़े से कठिन सेंटेंस बना रहे हैं। अब चूंकि वो लोग बना सकते हैं तो बना रहे हैं। ऑल द सेंटेंसेस आर करेक्ट। बेटा जैसा मैंने बोला था वैसे तुम्हें समझ में आ गया था ना? एन का नेगेटिव बनाना और इसमें यहाँ पे एनी लगा देना शुरू। बढ़िया, एक सेंटेंस बन जाएगा। मैं बना के बताऊं क्या? हाँ बना। Anyone can not be Tom, Dick and Harry in this class. इस क्लास में कोई भी एरागन बच्ची ने बी क्रिया का प्रयोग करके दिखाया। उसने अपने स्तर पर बढ़िया प्रयास किया लेकिन जैसा सरलतम हम चाह रहे थे वैसा अभी नहीं हो पाया है। अब देखते हैं इनकी जुबान से क्या निकलता है। ये अभी थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं तो मैं एक सरल सा सेंटेंस बना के दिखाता हूं सबसे। एनी, टॉम, डिक एंड हैरी कैन नॉट गेट सक्सेस। कोई भी ऐरा गैरा नथु खेरा सफलता हासिल नहीं कर सकता है। दिस इज द इजिएस्ट वे टू मेक सेंटेंस ऑफ दिस इंटरेस्ट। अब आप लोग बेटा और थोड़ा सा पास हो ताकि तुम देखो। नहीं, तुम तो बहुत पास हो, तुम तो वैसे भी लंबे हो देखते हो। आगे तुम तो बल्कि ऐसे टिक जाओ दीवार। नाउ कैन यू मेक एनी सेंटेंस? जाओ। एनी टॉम? कैन यू स्पीक अप? यस सर। एनी Any Tom, Dick and Harry cannot play basketball. कोई भी ऐरा गैरा बास्केटबॉल नहीं खेल सकता। अब इस बच्चे ने प्रयास तो बहुत अच्छा किया दोस्तों लेकिन इसने सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हिज सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट वेरी गुड बिकॉज बास्केटबॉल तो कोई भी खेल सकता है। इसमें कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। चलिए मैं इनकी सेटिंग को थोड़ा सा बेहतर करता हूँ। आप उठिए, हैरी कैन नॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन सॉरी द सीरियसनेस ऑफ दिस सिचुएशन। कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा इस स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ सकता है। नहीं समझ सकता। दिस इज वेरी नाइस सेंटेंस। इफ वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर।
who is ready now? Sir, I am ready. Please. Narendra Modi cannot meet with any Tom, Dick and Harry. Okay. नरेंद्र मोदी किसी भी एरे गेरे नत्थु गेरे से नहीं मिल सकते. इन्होंने बच्चों टॉम डिक एंड हैरी को ऑब्जेक्ट में रखा. शी यूज्ड टॉम डिक एंड हैरी इन ऑब्जेक्ट. ये सेकेंड राउंड के लिए बहुत अच्छा है. मैं चाह रहा था कि पहले सब लोग इसको सब्जेक्ट में रख के बताएं, उसके बाद फिर हम इसको ऑब्जेक्ट या कहीं और भी रखें. Yes, please. Harry, Tom, Dick, and Harry cannot pass this test. Very nice. कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा इस टेस्ट को पास नहीं कर सकता. Guys, if you cannot hear, you can speak up. If you cannot hear, was she audible to you? Yes, sir. Yes, sir. She is audible. She made nice sentence according to her age. Manya made very nice sentence and she put this interactive sentence in the object. So it was also good. Now, Soumya, you, if you want to put this word in object, you can also put. And you guys have got so many other chapters. These guys have got only can chapter, could, should, and be chapter, right? So now you can use other chapters one by one. You can. Yes, please. Will you speak up little so that they can listen? I cannot work with Tom, Dick and Harry. मैं किसी ऐरे गेरे नत्थू कैरे के साथ वर्क नहीं कर सकता. अब बच्चे तुम लोग को तीन तीन कर देंगे क्योंकि उसने एक शब्द नहीं रखा और किसी ने सॉरी नहीं बोला. तो तुम शुरू हो जाओ, एक कर देंगे दो. मेक ए बाय द सनशाइन, बहती गंगा में हाथ धोना. एक एक करके बेटा थोड़ा जोर से बोल. सॉरी हो गया, तुम बोल. सॉरी फॉर हिंदी. चलो तुम बोल. उसको दंड नहीं है, उसके कारण तुम तीनों को. What is the lollipop pulls? So, I can see. What? Rod is the logic of fools is very nice interactive sentence. Idiom. I am not remembering his Hindi. Do you remember? Does anybody remember here online? Have you got this idiom, guys? Lato ke bhoot baato se nahi maante. Very nice. Put your hands together for Soumya Devi. Would you mind speaking again? Rod is the logic of fools. Lato ke bhoot baato se nahi maante. Beta? After you failure. Go ahead, kar dijiye. तुम बोल दो बेटा, जब तक भैया फड़फड़ा रहे हैं. कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहिए. वेरी नाइस. मिल गया. अब बताइए बच्चों ऑनलाइन वाले की इस बच्चे ने क्या छोड़ दिया था. व्हाट डिड ही मिस? Okay, you all are sleeping.
चलिए आप लोग भी तीन सर, दिन तक हेल्पिंग वर्क छूट गई थी। नहीं, गलत जवाब, इट इज अ रॉन्ग आंसर। आई कैन नॉट वर्क विद एनी टॉम डिक एंड हैरी। नाउ ही यूज्ड, लास्ट टाइम ही डिड नॉट यूज एनी because any is not written on the board. Now you are right. Come again. I cannot work with any Tom, Dick and Harry. मैं किसी Eric, Gary, Matthew, Gary के साथ work नहीं कर सकता। अब यहाँ कुछ कमी नजर आ रही है online guys? हिंदी में कोई कमी नजर आई किसी को? हाँ? Sir, he is not completely audible. Sorry, clearly audible. He said, I cannot work with any Tom, Dick and Harry. And in Hindi he said, मैं किसी ऐरे गैरे नथू कैरे के साथ काम नहीं कर सकता. What is wrong? I said work. मैं किसी भी ऐरे गैरे नथू कैरे के साथ बात को दोस्तों मैं बताता हूं, उस बच्चे ने विथ का अक्षरशः हिंदी अनुवाद किया क्योंकि विथ 27 साल से सिखाया गया है हमें राधा ने कि विथ का मतलब के साथ होता है, जबकि हिंदी के हिसाब से देखें तो अर्थ निकलेगा मैं किसी ऐरे गैरे नथु खैरे से बात नहीं कर सकता, टॉक के रखा था कि वॉक वॉक रखा था, अच्छा वर्क की वॉक वॉक, हाँ सॉरी, सो इट वाज माय मिस्टेक गाइस, इट वाज माय मिस्टेक, ही वाज राइट। ओके नाउ एनी वन ऑफ यू, Nobody wants to be a Tom, Dick and Harry. कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा नहीं बनना चाहता। Very nice use of wants plus be. बोलो बच्चे, nobody wants to be Tom, Dick and Harry. Tom, Dick and Harry. कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं बनना चाहते बेटा। इस दौरान अगर तुम ज्यादा आवाज़ी करते हो ना तो इसमें डिस्टरबेंस आता है, ये जिस तरह की आवाज़ी तुम कर रहे हो। ओके थैंक यू, नाइस सेंटेंस, नेक्स्ट। यस प्लीज। एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड रामायण। यस, पुट योर हेड्स टुगेदर। कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा रामायण को आत्मसात नहीं कर सकता। प्लीज कैरी ऑन, मीनवाइल आई एम कमिंग विद मॉस्किटो रिपेलेंट। नो, एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड की आज रामायण। कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा रामायण को आत्मसात नहीं कर सकता। It will do for everybody. Yes. Do you have allergy? Yes. Achha, you have allergy. Okay. Do you guys, online guys, have any more sentences? Yes, I am ready. Okay, please. Any Tom and Dick and Harry cannot spoil my birthday party. कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा। दो तीन बार extra लगा क्या? Tom and Dick. हाँ। सारी क्या नहीं बोला? ओके
Can you come again? Yes, sir. Any Tom, Dick and Harry cannot spoil my birthday party. कोई भी ऐरा गैरा नत्थू कह रहा मेरी बर्थडे पार्टी स्पॉइल नहीं कर सकता है. यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा एन लगा ना. और सब्जेक्ट भी तो दो दो रख रहे हैं ये भाई साहब. ओके नेक्स्ट प्लीज. Repeat English, please, speaker. Any Tom, Dick, and Harry don't want to win this match. कोई भी ऐरा गैरा नथु कहरा इस मैच को जीतना नहीं चाहता. गुड दोस्तों, आगे चलकर हम इस पे चर्चा करेंगे. इसमें डोंट नहीं लगता है, अभी हमने प्रेजेंट सिंपल आपको नहीं सिखाया है. हमारे साथ बोल दीजिएगा, ऑनलाइन वाले आप भी चाहे तो बोलिएगा म्यूट में रह के, और ये लोग बच्चे अनम्यूट में बोलेंगे. एनी टॉम डिक एंड हैरी doesn't want to win this match. कोई भी ऐरा गैरा नथु खेरा यह मैच नहीं जीतना चाहता है. दोस्तों इसका सेंटेंस तो सही है लेकिन बहुत प्रैक्टिकल नहीं है. लेकिन अगर हम इसकी एज के हिसाब से देखें तो इसको स्वीकार कर लेते हैं. बहुत छोटा बच्चा है, बहुत प्रैक्टिकल सेंटेंस अभी नहीं बना पा रहा है. तो इट विल डू बेटा, इट विल अब ये सब अभी एनी टॉम डिक एंड हैरी को ही लेकर चल रहे हैं. आप लोग कुछ और अच्छा दिमाग में आ रहा है तो बताएं. चलिए एक सेंटेंस सुनिएगा, हम इसको ऑब्जेक्ट में रख के बता रहे हैं. बच्चों आप हमारे साथ बोलिएगा. आई डोंट वांट टू टॉक टू एनी टॉम डिक एंड हैरी. मैं किसी ऐरे गहरे नथु खैरे से बात नहीं करना चाहूंगा. यस प्लीज. आई डोंट वांट टू प्ले चेस मैच विद एनी टॉम डिक एंड हैरी. मैं किसी भी ऐरे गहरे नथु खैरे पर चेस मैच नहीं खेलना चाहूंगा. वाज ही ऑडिबल? Yes, sir. He is audible. Okay, thank you. Now, any one of you is ready? आपको जितने चैप्टर मिले हैं दोस्तों उनको इसी बहाने क्यों ना आप रिवाइज कर लें. बेटा कुछ सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं? हाँ तो बनाओ. एक छोटा सा बच्चा ये देखो ये बना रहा है. क्या सेंटेंस बनाओ? जो तुम्हारे दिमाग में आया. ओके तो अब तुम लोग चाहो तो इसमें क्रिएटिविटी करो. मैडम आ गई हैं
और हम जा रहे हैं अंदर। प्रोसेस देखिए। ओके ओके मैम ओके शुड आई मेक वन सेंटेंस Yes, sir. One Tom, Dick, and Harry came to me and he said, I'm the winner of the Kaun Banega Karodpati. Ek koi ehra gehra nathu khehra mere paas aaya aur usne kaha main Kaun Banega Karodpati ka vijeta hoon. Sir, come again. English sentence. Yes, sure. One Tom, Dick and Harry came to me. Ek era gera nathu khera mere paas aaya and he said, I'm the winner of KBC. Pata hai, main KBC ka vijeta hoon. I use past simple tense. Oh, madam has just informed me that they have also got past tense. They present can also tense. Make present tense, past tense. Sir, I'm ready. Please. One day I met a guy and he said to me that he has conquered the world. एक दिन मैं एक व्यक्ति से मिली और उसने मुझसे कहा कि उसने दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है. But where is the interest? The interest. One day I met a Tom, Dick and Harry. Yes. And he said to me that he has conquered the world. Okay, is it now, correct, sir? So there you are. Second. Yes, we can. But try to speak up, man. One Tom, Dick and Harry came to me and he said, I purchased Mercedes. एक ऐरा गेरा मत तू कहरा मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा मैंने Mercedes खरीद ली. Now who is ready? Now I will flip the camera if you are ready to make sentence. Okay, this boy is ready. Any Tom, Dick and Harry cannot pluck this fruit. कोई भी ऐरा गैरा नथु खेरा इस फल को नहीं तोड़ सकता. Very nice. Put your hands together. These are little kids and they are making accordingly. Why are you not doing it? Let me please put the camera. Thank you. Nobody, everybody is calm. Okay, I'm asking one question. Okay. Manya is no. Sonika is not making any sentence. Sonia?
Sonika, do you want to marry with any Tom, Dick and Harry? No, sir. I will not want to marry with Tom, Dick and Harry. क्या तुम किसी एरे गेरे नथु खैरे से शादी करना चाहती हो? नहीं सर, मैं किसी एरे गेरे नथु खैरे के साथ शादी नहीं करना चाहती। देखो के साथ आ गया ना बच्चे, सुनो लगता ही। Can you ask the same question to Soumya? Soumya, will you want to marry with Tom, Dick and Harry? No, I will not want to. Soumya, do you know this? She is asking wrong question. Come again, Sonika Didi. Will you want to marry with Tom, Dick and Harry? ये sentence किसी ने सुना तुम में से? क्योंकि ये दीदी तो गलत बोल रही है, वो सुन नहीं पाती ध्यान से। Do you want to marry? Yes. Do you want to marry with Tom, Dick and Harry? No, I don't want to marry with Tom, Dick and Harry. Soumya, kya tum kisi aare gare nathu kare se shaadi karna chahti ho? Karogi, karna chahogi, sorry. Chahti ho. चाहती हो? नहीं, मैं किसी एरे गेरे नथु गेरे से शादी नहीं करना चाहती। चलो तुम इस बच्चे से पूछो। Do you want to marry? तो मैं देख भी सकूं। Do you want to marry with Tom, Dick and Harry? No, I doesn't want to marry any Tom, Dick and Harry. Do not say it, beta. Sorry. No, I do not want to marry Tom, Dick and Harry. सॉरी, चलो तुम आंसर दो। आई डोंट हियर द क्वेश्चन। तुम दे दो। नो, आई डोंट वांट टू मैरी एनी टॉम, डिक एंड हैरी। सॉरी। वैसे मैरी के साथ किसी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम लगा भी सकते हैं। दोस्तों, एक बड़ा फेमस गाना है, उससे आप इसके प्रपोजिशन के दलदल से बाहर निकल सकते हैं। अमिताभ जी का गाना है, हीरोइन अमिताभ बच्चन से बोलती है विल यू मैरी मी, तो अमिताभ बोलते हैं नो नो सॉरी जी, विल यू मैरी मी नो नो सॉरी जी। अमिताभ बच्चन एंड हीरोइन वॉज अमृता सिंह। मैडम सेट किमी काट कर। ओके, मान्या वाज नॉट विजिबल, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एंटरटेनिंग हर, नाउ शी इज विजिबल। डू यू हैव एनी सेंटेंस? सर एक्चुअली आई वाज नॉट देयर। ओके, नो प्रॉब्लम। Yes, this boy is me. I don't want marry any Tom, Dick and Harry. मुझे किसी ऐरे गरे नतु गरे को शादी नहीं करनी। अब इस बच्चे का हिंदी तो गलत हो गया है। So may I ask, ask him Hindi? क्या तुम किसी ऐरे गरे नतु गरे से शादी करना चाहते हो? नहीं, मैं किसी ऐरे गरे नतु गरे से शादी नहीं करना है। अब तुम कोई वर्ब चेंज करके एक क्वेश्चन मान्या दीदी से पूछ सकते हो? नहीं,
यहां दिख रही है पहले नंबर पे। ऐसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन माने दीदी, डू यू वांट टू शॉट एनी एरा एनी टॉम डिक एंड हैरी शॉट शॉट कभी कम अगेन शूट सॉरी डू यू वांट टू डू यू वांट टू शूट एनी टॉम डिक एंड हैरी नो आई डोंट वांट टू शूट एनी टॉम डिक एंड हैरी क्या आपको किसी भी एरे गरे नत्थु खैर को गोली मारनी है He is making this mistake again and again. Sorry. माने दीदी क्या आप किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैर को अच्छा you are hesitating to face no sir because you are watching there only ask माने दीदी क्या आप किसी ऐरे गहरे नत्थु खैर को गोली मारना चाहती हैं नहीं मैं किसी अरे गरे नत्थू खैरे को गोली नहीं मारना चाहती मान्य आप वर्ब चेंज करके जरा इस बच्चे से कोई सवाल करें अच्छा वो तो पहले ही मर गया इस बच्चे से कर लो नहीं कुछ इस बच्चे से कर लो हाँ इस बच्चे ये देखो ये कितने मस्त नाक निकाल रहे दिखा ना बेटे कितनी निकाल ली नए फ्रेंड आस्क मी यस सर आई एम थिंकिंग एक्चुअली मेन वर्ब ओके डू यू वांट टू आस्क Anything different? No, ma'am. Not nothing. Any different? Just I'm thinking that which verb can go with this interactive or not. Any Tom, Dick, and Harry can make sentences. चलो मैं ही पूछ लेता हूँ. Amanya, do you want to dance with any Tom, Dick, and Harry? No, sir. I don't want to dance with any Dick and Tom, Dick and Harry. क्या तुम किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के साथ डांस करना चाहती हो? No, sir. मैं किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के साथ डांस नहीं करना चाहती वर्ब वहां से मिलेंगी नहीं रजिस्टर से नहीं मिलेंगी वो हमें एकदम से यहाँ से निकालना पड़ेगी You will not get the verb from the register. Immediately, your right brain will help you. Okay. Yes, sir, I'm ready. Okay. Ask this little boy. Sir, what's his name? Ask him directly. What's your name? My name is Prashant Shivastam. Sorry, come again. My name is Vishisht Srivastav. Vishisht Srivastav, okay. Okay, Vishisht. Do you want to go to school with any Tom, Dick and Harry? No, I do not want to go to school with any Tom, Dick and Harry. Sorry. Come again, please. He missed the preposition. किसी भी स्थान पर पहुंचने से पहले किसी preposition की जरूरत होती है ना? Fevicol, right? Can you answer this question? Come again. What's your name? Mishika Chaudhary. Okay, Mishika, do you want to go to school with any Tom, Dick and Harry? No, I don't want to go to school with any Tom, Dick and Harry. क्या आप किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के साथ स्कूल जाना चाहेंगी? Sorry. चाहती है
ये सॉरी चाहती हैं लाइमा किसी ऐरे गैरे नथु कैरे के साथ स्कूल नहीं जाना चाहती। गुड। नाउ हु इज रेडी टू आस्क? सर आई एम रेडी। तुम सोनिका दीदी से पूछ लो। सोनिका दीदी कैन यू सिंग दिस कवाली विद एनी टॉम डिक एंड हैरी? No, I cannot sing this kabali with any Tom, Dick and Harry. क्या आप ये कबाली किसी भी ऐरे गैरे नथु खैरे के साथ गा सकती हैं? नहीं, मैं यह कबाली किसी भी ऐरे गैरे नथु खैरे के साथ नहीं गा सकती। Now who is ready to ask? किसी की आवाज आई थी ऑनलाइन में? Yes, sir. I'm ready. Please ask this little boy. Do you want to be a partner of any Tom, Dick and Harry's business? Yes, I want to be a partner of any Tom, Dick and Harry's business. Yes, Soumya, he did not use apostrophe S. He is a little boy. Yes, sir. क्या तुम किसी ऐरे गैरे नथु गैरे का बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हो? हाँ, मैं किसी ऐरे गैरे नथु गैरे के नथु गैरे का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता हूँ। Now, who is ready to ask in different chapter? Could you Soumya didi se Could you drive car, drove car with any? Could you drove car? Drive. Sir, drove bola. Drove. चलो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। Soumya, could you hang out with any Tom, Dick and Harry? No, sir. I could not hang out with any Tom, Dick and Harry. क्या तुम किसी ऐरे गैरे नथु खैरे के साथ बाहर जाकर मौज मस्ती कर सकती थी? नहीं सर, मैं किसी ऐरे गैरे नथु खैरे के साथ बाहर जाकर मौज मस्ती नहीं कर सकती थी। Who is ready, बच्चों? Offline, online? चलो हम ही आगे बढ़ाते हैं और तुम लोग भी सुनते जाना बच्चे। मान्या, डिड यू विजिट अब्रॉड विथ एनी टॉम, डिक एंड हैरी? नो सर, आई डिड नॉट विजिट एनी अब्रॉड विथ एनी टॉम, डिक एंड हैरी। क्या आप किसी ऐरे गैरे नथु खैरे के साथ विदेश भ्रमण पर गई थी? नो सर, मैं किसी ऐरे गैरे नथु खैरे के साथ विदेश भ्रमण पर नहीं गई थी। आई वेंट विद माय बेस्ट फ्रेंड। ओके, अच्छा, रियली। बच्चों हम यहाँ चैप्टर की ओर ध्यान दे रहे हैं। नाउ आई एम फोकसिंग द चैप्टर। तो मान्य, फ्यूचर सिंपल में पूछ लो इनमें से किसी एक बच्चे से। अच्छा, तो भी आंसर दे देंगे। फ्यूचर सिंपल में इस बच्चे से पूछ लो। विल यू मेक फस विद एनी टॉम, डिक एंड हैरी? बेटा लिखा भी आता है ना, घबराओ बिल्कुल नहीं, ठीक है? कैन यू आंसर? शी विल नॉट रिपीट। Yes, I can make fuss with any topic.
सॉरी मैम. हाँ फ्यूचर सिंपल. You can see the spelling here. Okay, she is ready to make fuss with any Tom, Dick, and Harry. She will definitely make fuss with any Tom, Dick, and Harry. Can you see the spelling? Complete the process, Manya. क्या आप किसी एरे गेरे नत्थू गेरे के साथ झगड़ा करोगे? आंसर कर दो. नहीं मैं किसी एरे गेरे नत्थू गेरे से झगड़ा नहीं करूंगा. ओके हैव आई गिवन यू प्रेजेंट कंटीन्यूअस. ओके प्लीज आस्क. सोनी कर दी. विल यू मेक केक फॉर योर सन? Will you make Tom, Dick and Harry? Okay, वो बच्चे थोड़ा सा अभी हेजिटेट हो रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन की मिक्सिंग में. तो हम ये इट वॉज जस्ट लाइक ए प्रैक्टिकल. आई वॉन्टेड टू यूटिलाइज द टाइम ऑफ बोथ ऑफ यू. एक्चुअली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव सेंटेंस. अब तुम लोगों से भी हम पूछ रहे हैं बच्चों और तुम लोगों से भी, अगर इस सेंटेंस को स्त्रीलिंग करना है तो हिंदी में तो एक सेकंड में कर लोगे ना? कैसे करोगे? कैसे करोगे? एरी गेरी नथु खेरी. हिंदी में स्त्रीलिंग कैसे बनाओगे बताओ बच्चों. हिंदी में कोई भी एरा गेरा नथु खेरी. और कोई बता. एरी गेरी नथु खेरी. एरी गेरी नथु खेरी. ये एक सेकंड में बन गया. लेकिन क्या बच्चों इसका अंग्रेजी इतना आसान होगा? तो चलिए आप लोग तब तक एक एक सेंटेंस कुछ भी बनाइए. तब मैं क्लास में जाके इन बच्चों के लिए भी और आपके इसको थोड़ा बेटा ऊपर उठाना. अब इसको कस देना. थैंक यू. हम आपको एक रेफरेंस लाके दिखाते हैं कि कैसे इस सेंटेंस को हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं. तब तक बच्चे लोग कोई सेंटेंस आप लोग इनसे कुछ पूछना चाहें, ये लोग आपसे, तो सामने आके पूछ सकते हैं. चैप्टर आप पढ़ाते जाए. एक एक सेंटेंस बना लेते हैं. कैन को छोटी किसी का भी विथ टॉम डिक एंड हैरी. स्टार्ट फ्रॉम मान्या सोनिका एंड सौम्या. देन दे विल मेक. ओके दे आर रेडी. या स्टार्ट. एनी टॉम डिक एंड हैरी शुड प्रैक्टिस फॉर हिज एग्जाम. फॉर हिज एग्जाम. Any Tom, Dick and Harry should make effort for his exam. किसी भी हैरे गेरे नत्थु गेरे को उसके एग्जाम के लिए प्रयास करना चाहिए. Can you hear guys? I'm not clear audible. Any Tom, Dick and Harry cannot lose my hope. Okay, your turn, beta. Are you ready? अरे दरवाजा खुला हो मच्छर आ गए. Okay you ready? Any Tom, Dick and Harry cannot change my time. कोई भी ऐरा गेरा नत्थू गेरा मेरा समय नहीं बदल सकता.
Right. You're dressed. Any Tom, Dick, and Harry can make cake. कोई भी एरावेरा नथुबेरा केक बना सकता है. Sorry. She doesn't use. Did not. Okay, guys. Now your turn. Manya. Any Tom, Dick, and Harry get nervous while making sentence. कोई भी एरागन अथू गहरा सेंटेंस बनाने के समय नर्वस होता है. सौम्या. She cannot go over there with any Tom, Dick, and Harry. वह किसी भी एरे गहरे नथू गहरे के साथ वहां नहीं जा सकती थी. सोनिका दीदी. Any Tom, Dick, and Harry cannot protect the nation. कोई भी एरा गहरा नथू गहरा नेशन की रक्षा प्रोटेक्शन नहीं कर सकता या रक्षा नहीं कर सकता. Have a glance. ये क्या लिखा है दिख रहा है? Tom, Dick, and Harry. सोनिका तुम पढ़ो. Tom, Dick, and Harry. मान्या. Tom, Dick, and Harry. अब हम इन बच्चों से पढ़वाते हैं. Tom, Dick, and Harry. Tom, Dick, and Harry. Tom, Dick, and Harry. Tom, Dick, and Harry. सभी ने गलत उच्चारण किया है क्योंकि ये एक विदेशी नाम है लड़कियों का नाम अमेरिका में. Tom, Dick, and Harriet. I think. Harriet. Harriet. दोस्तों विदेशों में लड़कियों के नाम हैरियट होते हैं. एंड गूगल इज आल्सो टेकिंग हैरियट. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन हैरियट. गूगल इज टाइपिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ हैरियट. यस. Now you can make one sentence with Tom, Dick, and Harriet. She is a Tom, Dick, and Harriet. Speak up, come again. She is a Tom, Dick, and Harriet. Complete the process. वह एरी गैरी नथू गैरी. Which chapter is this sentence related? Can anybody tell me which chapter is this sentence related? Sabhi. Be present. Nobody is giving me complete answer. Sir, this chapter is related. This sentence is related to be present. So there you are. That's like a good girl. Now, if you want to make any sentence, feminine gender with feminine gender, you can make. Salman Khan does not want to get married with any Tom, Dick, and Harriet. Yes. Salman Khan किसी भी एरी गैरी नथु गैरी से शादी नहीं करना चाहता. Very good. और से कहने के लिए ज्यादा very good क्योंकि with लगाते साथ बच्चे एकदम के साथ लगा देते. Very good. Yes. Any Tom, Dick, and Harriet cannot speak with Salman Khan. कोई भी एरी गरी नथु गरी सलमान खान से बात नहीं कर सकती. वेरी नाइस. स्पीक अप. और नहीं तो यहाँ आके आ जाओ. एनी टॉम टेक एन हैरियट. एनी टॉम टेक एन हैरियट. तुम इसका उच्चारण ही अभी तक सही नहीं कर पा रहे बेटा. पढ़ो ना स्पेलिंग. नहीं 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 बेटर. गलत कर रहे हो बेटा. नेक्स्ट. एनीबडी ऑफ यू इज रेडी.
Sir, I'm ready. Please. Any Tom, Dick, and Harriet wants to peep at my house. Harry, Gary, Nathu, Gary, मेरे घर में ताकझाक करना चाहती है. Very nice. बच्चों बोलो. Any. Any. Tom. Tom. Dick. Dick. And Harriet. Harriet. Wants to. Wants to. Peep. 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 In. In. Her house. Her house. कोई हैरी गैरी नथु खैरी इनके घर में ताक झाक करना चाहती है. Yes. All Tom, Dick and Harry wants to marry a Tom, Dick and Harry. सभी हैरी गैरी नथु खैरों को हैरी गैरी नथु खैरी के साथ शादी करनी है. आप लोग फील कर रहे हैं ये बच्चा हैव टू का हिंदी बार बार बोल रहा है और वांट्स टू में बना रहा है या वांट टू में बना रहा है? यस शी कैन लीव. सर कैन आई कम अगेन? यस यू कैन. बोथ ऑल टॉम डिक एंड हैरी वांट टू मैरी टॉम डिक एंड हैरी. सभी एरे गेरे नथु खेले एटी गेरे नथु खेलियो के साथ शादी करना चाहते हैं. गेट नाइस. यस यू कैन. एनी टॉम डिक एंड हैरियट कैन मेक मिस्टेक. कोई भी एरी गैरी नथु खैरी गलती कर सकती है. Very nice. Put your hands together. Any Tom, Dick and Harriet cannot purchase gold. Yes. कोई भी एरिया हैरी गोल्ड नहीं कर सकती. सोना नहीं कर सकती. सोना नहीं कर सकती. Yes. He's right. Gold is very costly, beta. सोने बोले सोने नहीं कर सकती. Are you ready for your sentence? Yes. Any Tom, Dick and Harriet cannot wear platinum jewelry. Platinum. Very nice. कोई भी ऐरी गैरी नथु खैरी platinum की ज्वेलरी नहीं पहन सकती. Very nice. Are you guys ready? Yes, sir, I'm ready. Please. He will not make friendship with any Tom, Dick and Harriet. वह किसी भी एरी गैरी नथु खैरी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करेगा. ये सब सॉरी बोल रहे हैं हिंदी सुन के तुम्हारा. वह किसी भी एरी गैरी नथु खैरी से फ्रेंडशिप नहीं करेगा. सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई. प्लीज प्लीज मेक. एनी टॉम डेकन एंड हैरियट कैन गेट रेडी this boy said sorry immediately and he's right because he's making the sentence of masculine gender and he is using something Hindi feminine. So he has used feminine but in Hindi he is using masculine. He is confused in masculine and feminine gender. Yes.
ये बच्चा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में Why are you agitated? Let them see. Now I have flipped the camera. They are watching me, not watching you. Have I given you present continuous tense? Yes, sir. So, does any one of you want to use? Do you want to be a Tom, Dick, and Harry? Harriet? Sonika Didi, do you want to be a Tom, Dick, and Harriet? No, I don't want to be a Tom, Dick, and Harriet. क्या आप हैरी गैरी नथू खैरी बनना चाहती हैं? नहीं, मैं हैरी गैरी नथू खैरी नहीं बनना चाहती. Any Tom, Dick and Harry cannot repair electric cycle. कोई भी ऐरा गैरा नथू खैरा electric cycle सुधार नहीं सकता. Very nice. Any Tom, Dick and Harry cannot teach English. कोई भी ऐरा गैरा नथू खैरा English नहीं पढ़ा सकता. Very nice. Thank you for me. For us. Any Tom, Dick and Harriet cannot write a proper cannot write a formal letter. कोई भी ऐरा है नथू खैरा letter नहीं लिख सकता. थैंक यू. कितने सालों बाद लेटर लिखने वाला सेंटेंस सुन के कुछ अजीब सा लगा? समझा तो सब चुके हैं. 15 दिन की छुट्टी पे आए तो और लेटर. ऐसा नहीं लगता कि कोई गांव से उठ के सीधे चला आया? गांव से ही गांव से आया. Yes, Soumya. All Tom, Dick and Harriet are wasting their time in thing.
अरे नथु गैरी, बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं है। वेरी नाइस फॉर यूजिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सभी ऐ रही कह रही नथु कह रही अपना समय बर्बाद कर रही है। Harry, Tom, Dick and Harriet cannot cheat in this exam. कोई भी ऐरी गैरी इस एग्जाम में धोखा नहीं दे सकते। Very nice. बेटा चीट का वास्तविक अर्थ यही होता है, धोखा देना ही होता है। नो चीटिंग, धोखा मत दो। चीट का मतलब नकल करना नहीं होता। 27 साल से अगर ये बात मन में है तो हम सबको बता देना चाहेंगे, नकल करने के लिए जो वर्ब होती है वो है कॉपी। कॉपी इसलिए हम फोटोकॉपी बोलते हैं, प्रतिलिपि। यस ओनली टॉम डिक एंड हैरी कॉपी इन द एग्जाम्स। सिर्फ हैरी गैरी नथु गैरी ही एग्जाम में चीटिंग चीटिंग करते हैं। करेक्ट। Any Tom, Dick and Harriet cannot ditch Sherlock Holmes. कोई भी ऐरी गैरी नथु गैरी Sherlock Holmes को धोखा नहीं दे सकती। Wow. देखिए ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी क्रिएटिविटी देखिए। आप लोग शर्लॉक होम्स को अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, एक समय का बहुत बड़ा डिटेक्टिव, प्राइवेट डिटेक्टिव हुआ करता था शर्लॉक होम्स। उसके नॉवेल्स आई हैव रेड हर्ड। दिस लिटिल बॉय नोज शर्लॉक होम्स, इट इज अ बिग डील। दोस्तों अभी हम अपने बैच को 5 से 6 ही रखते हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है। फिर आज का इंटरेक्टिव सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग था। अब वो हो पाया नहीं हो पाया, जो भी आपकी फीडबैक है आप हमें व्हाट्सएप में बताइएगा, तो कल से हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो शुड वी कंक्लूड? You can send some more sentences if you get in your mind in WhatsApp. Actually, this kind of creativity gets the big results. But it could not happen in your batch, unfortunately. So we will utilize this period of time. It is called creativity. We have made a lot of sentences with one interactive. So should we conclude today? Yes, sir. Do you have any more sentences online, guys? Sir, I have one more sentence. Please go ahead. All Tom, Dick and Harry who are copying the exam, they are spoiling their future. Yes. सभी ऐरे गेरे नथु गेरे जो एग्जाम में कॉपी करते हैं वे अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। एब्सोल्युटली नाइस सेंटेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो मैंने बहुत देर से एक वर्ब यूज नहीं की। बच्चों हमारे साथ तुम लोग बोलना। आई डोंट वॉन्ट टू
I don't want to remain with Tom, Dick, and Harry. Harry's is the plural number of Harry. And Google is taking. Manya is disconnected because of network, I think. Should we conclude, Sonika, Soumya? Yes, sir. We should conclude. This boy said me to complete the process. I am completing the process. मैं अरे गरे नथु खैरो के साथ नहीं रहना चाहता हूँ. सौम्या, should we conclude? Yes, sir, we should conclude. Now Manya has rejoined. Finally, I am saying bye to you. But do you have, if you have any more sentences, we can continue. You tell me. Okay, finally, let's conclude. See you tomorrow, 5 o'clock. Bye. God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir.